नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्जोरा फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आज एक्जोरा के बारे में बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं वो एक्जोरा फ्लावर है। ये आप देख रहे हैं पिंक कलर का, एक्जोरा बोलते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक खिले हुए थे, गुच्छे में रहते हैं ये सारे फ्लावर्स एक्जोरा के। और इसमें कलर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वाइट होते हैं, रेड होते हैं, पिंक आप जो देख रहे हैं, और ये सारे कलर इसमें मिल जाते हैं। ऑरेंज कलर भी रहता है इसमें। गुच्छे में एक्जोरा का फ्लावर खिलता है, बहुत सुंदर होता है ये एक्जोरा का प्लांट। और इसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है दोस्तों, इसको आप लगा के रखिए। और बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा आपको इसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप इसको लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है ये। इसमें पानी भी उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, नमी रहनी चाहिए, बस हल्की हल्की उसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। एक्जोरा का प्लांट बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होती है, और बर्ड्स भी इसमें बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारी इसमें। ये देखिए नीचे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे इसमें बर्ड्स भी हैं पूरे गुच्छे में। तो एक्जोरा का प्लांट यही है कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है भर भर के इसमें भी। और बिल्कुल आप वेल ड्रेन, इसको अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी बनाइए। हमारी ये वाली एक्जोरा तो ज़मीन में लगी हुई है, ये ज़मीन में लगी हुई है एक्जोरा, तो बहुत अच्छे से फैला हुआ है। आप इसको 12 इंच पॉट में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये चलेगी एक्जोरा का प्लांट। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, इसको लगाना उतना मुश्किल नहीं है, आप इसको गार्डन से खरीद के भी लगा सकते हैं।